लूट की योजना बना रहे दो अभियुक्तों को खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि खोराबार थाना प्रभारी नासिर हुसैन अपनी टीम के साथ बेलवार में रात्रि गश्त पर थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बेलवार बरसाइत मार्ग पर टोला महुआरी जाने वाले रोड पर एक पेड़ के नीचे दो व्यक्ति चोरी की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके खोराबार प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और चोरी की योजना बना रहे दो अभियुक्तों को दबिश देकर पकड़ लिया, जिनकी पहचान विनोद कुमार उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम महुआरी थाना झंघा और संतोष यादव पुत्र जय नारायण यादव निवासी महुआरी थाना झंघा के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 3 रिंच, एक टूटा हुआ पेचकस, चाबी का गुच्छा, 2 मोबाइल फोन व 1 मोटरसाइकिल होंडा शाइन बरामद हुई है। सीओ कैंट ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक खोराबार नासिर हुसैन, उप निरीक्षक आशीष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, कांस्टेबल श्याम नारायण, सचिन कुमार, सतीश कुमार यादव, सतीश भारती शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये बीती रात खोराबार थाना क्षेत्र में बेलवार चौकी अंतर्गत दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से रिंच, पेचकस और भी जो सामान तोड़ने लायक, जो दुकानें तोड़ने लायक सामान होते हैं, सामान बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ की गई तो ये थाना झगहा क्षेत्र के रहने वाले थे और इन्होंने ये भी बताया कि इस समय रात में हम किसी घटना को ही अंजाम देने आए थे। ये कुछ घटना दुकानें तोड़ने का प्रयास करते, चूँकि बेलवार बहुत दूरस्थ क्षेत्र है तो निश्चित रूप से प्रयास करते, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से ये लोग पकड़े गए हैं और आज चोरी के प्रयास की योजना बनाते के जुर्म में जेल भेजे जा रहे हैं।